क्या नाम है? शहजादी गुल। यहाँ क्या कर रही हो इस टाइम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप यू आल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल उमे हुरैन व्लॉग्स। कितने खूबसूरत रोज़ेज़ हैं, कितने खूबसूरत फ्लावर बुके हैं, और जो रेड रोज़ेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, और मुझे लेना था रेड रोज़ेज बुके, लेकिन यहाँ कोई पर्सन भी अवेलेबल नहीं है, और अभी जी मेरे पास कैश भी नहीं है। मैं कार्ड ट्रांजेक्शन करूँगी तो उसके बाद फिर कैश लेते हैं एटीएम से और फिर यहाँ आते हैं। चलें जी पहले केक ले लेते हैं। आज है मेरे हस्बैंड का बर्थडे 5 मई, तो मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा प्लान किए हुए थे। जो मेरा प्लान था वो बहुत ज़बरदस्त था, वो आउटसाइड सेलिब्रेट करने का था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हस्बैंड की जो है आज ड्यूटी आ गई थी, बल्कि कल भी ड्यूटी है, तो बस सारा जो मेरा प्लान है, मेरा जो मूड है वो हो गया स्पॉयल। लेकिन बर्थडे तो फिर भी सेलिब्रेट करना ही था, केक कट करना था, तो फिर सडन मैंने कहा कि नहीं, सिंपल सी सेलिब्रेशन करते हैं लेकिन घर में सेलिब्रेट ज़रूर करेंगे। तो मैं और इजाज़ आए हैं यहाँ पर केक लेने के लिए। इजाज़ वाज सो एक्साइटेड। अर्ली मॉर्निंग ही जब वो स्कूल जा रहा था तो मैंने उसको बताया कि पापा का आज बर्थडे है, तो ही वॉज़ प्लानिंग सो मैनी थिंग्स कि ऐसा केक लेना है, वैसा केक लेना है, तो अब वो मेरे साथ आया है। खैर उसने ख़ुद ये केक सेलेक्ट किया है। पहले तो जी उसने स्पाइडर मैन पर हाथ रखा कि ये केक लेना है, तो आई सेड कि इट्स नॉट योर बर्थडे, जब आपका बर्थडे होगा तो फिर हम स्पाइडर मैन लेंगे, अभी पापा का बर्थडे है तो आप प्योर चॉकलेट में केक ले लो। पहले ये उसने हार्ड केक जो है ये चूज़ किया, बट इट्स बीन 4 ईयर्स ऑफ माई मैरिज, और इत्तेफाक कहने या कुछ भी, हमेशा वैलेंटाइंस पर, मेरे बर्थडे पर, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी पर यही केक हमारे घर आता है, तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं, इट शुड बी समथिंग चेंज। तो उसको मैंने इस केक पर एग्री किया, और फाइनली ना उसने एग्री कर लिया कि ठीक है जी, ये जो राउंड शेप में चॉकलेट केक है ये लेंगे। 2 पाउंड केक ही मैंने लिया था क्योंकि इतनी ज़्यादा हमें नहीं रिक्वायर था, फिर वेस्ट जाता है फूड। 3 से 4 पर्सन हैं, और जो फादर इन लॉ हैं वो तो मीठा लेते ही नहीं हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं। होप सो कि आपने जो मेरे जो व्लॉग है, मेरी वीडियो है, उसका वेट ज़रूर किया होगा। बहुत माजरत के साथ, बहुत ज़्यादा मसरूफियात हैं इन दिनों, बिल्कुल भी टाइम जो है मैनेज नहीं हो रहा, रूटीन मैनेज नहीं हो रही, यही वजह है कि मैं आपके साथ इतने दिन से कोई वीडियो शेयर नहीं कर सकी। बाकी भी मैंने सारा बेकरी भी विज़िट किया क्योंकि डिनर टाइम है, तो ये जो सारे आइटम्स थे ये यूज़लेस थे, इनको लेने का कोई फ़ायदा नहीं था। मैंने डिनर प्लान किया हुआ था तो बस फिर मैंने यहाँ से सिर्फ केक लिया है, और केक पे इजाज़ वाज सेइंग कि हैप्पी बर्थडे टू पापा लिखवाना है, तो फिर बस हैप्पी बर्थडे पापा केक पे लिखवाया। सभी केक जो है वो बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे। ऑब्वियसली कौन है जिसको केक नहीं पसंद होगा, और मैं जो हूँ वो चॉकलेट केक लवर हूँ, ब्राउनीज लवर हूँ, तो आई जस्ट लव ब्राउनीज।
केक ले लिया था जी, अब मैं जा रही हूँ, मेरे पास कैश नहीं था तो बेकरी पर तो हो गया था कार्ड ट्रांजेक्शन, तो हर जगह पे कार्ड ट्रांजेक्शन नहीं होती, तो अब मैं आई हूँ ATM अलाइड बैंक, तो यहाँ से हम कैश लेते हैं, तो फिर बाकी फर्दर जो चीज़ें लेनी हैं वो हम लेने जाते हैं। अलाइड जो बैंक ATM मशीन थी वहाँ सिस्टम एरर आ रहा था, तो फिर मैं साथ अस्करी बैंक आ गई और यहाँ से मैंने ट्रांजैक्शन की है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी हम स्टिल ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जो हमारे मेल्स मेंबर हैं वो फीमेल्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं और बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। काफ़ी लंबी लाइन थी लेकिन मैं अकेली जो है फीमेल थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप पहले ट्रांजेक्शन कर लें, तो यहाँ से जी लिया मैंने कैश। यहाँ की जो ATM मशीन है वो बहुत स्लो थी, 2 से 3 बार टच करने के बाद इट वॉज़ वर्किंग। खैर यहाँ से मैंने कैश लिया और चलते हैं। जब भी आप ATM से कैश ट्रांजेक्शन करें, कैश निकलवाएं, आप ज़रूर अपनी जो स्लिप है उसका वेट करें, आपने रसीद ज़रूर लेनी होती है, और जो आपने कैश लेना है उसको आपने ATM के अंदर ही खड़े होकर अपने वॉलेट में या बैग में रख कर, कार्ड जो है उसमें रख कर फिर बाहर आना चाहिए, किसी भी इंसिडेंट से बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। चलिए जी मैं आ गई हूँ बुके शॉप पर, यहाँ मैंने 2 से 3 बुके देखे और फिर मैंने फाइनली एक सेलेक्ट किया। यहाँ वाइट ग्लैंड्स थे और रेड रोज़ेस थे, इसके अलावा कोई और चॉइस नहीं थी। खैर रेड रोज़ेस ही मुझे चाहिए थे तो मैंने ये रेड रोज़ेस का जो बुके है वो ले लिया, बुके ले लिया है। तो अब हम चलते हैं डिनर ऑर्डर करने के लिए। डिनर ऑर्डर करने के लिए सॉरी मैं वीडियो नहीं बना सकी, मैं पहले ही ऑर्डर दे कर आई थी, अब जो है हमने सिर्फ रिसीव करना है। आ गई हूँ मैं यहाँ पर, तो डिनर ऑर्डर किया हुआ था लेकिन जो मैंने चिकन सीख ऑर्डर किए थे वो अभी रेडी नहीं हुए थे, थोड़ा टाइम था। क्या नाम है? शहजादी गुल। यहाँ क्या कर रही हो इस टाइम? अच्छा इतनी रात को अकेले, वो भी भाई भी छोटा सा है, कहाँ से हो? कुछ तो बोलती हो, इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, इतनी अच्छी तुम लग रही हो, और जूते नहीं पहने हुए और फिर भी तुम मांग रही हो। स्कूल जाती हो? किस क्लास में हो? टू में। अच्छा फाइनली मेरे ऑर्डर आ गए हैं, बहुत ज़्यादा क्यूट बची थी और ऑर्डर का वेट करते हुए मेरा टाइम बहुत अच्छा स्पेंड हो गया है, बहुत क्यूट बातें कर रही थी। फिर वहाँ से हमने खाना लिया और टाइम बहुत कम था, फ़ौरन से घर पहुँचना था, सरप्राइज ऑर्गेनाइज किया हुआ था और यही कोशिश थी कि हस्बैंड की ड्यूटी से आने से पहले पहले सब अरेंजमेंट्स हो जाने चाहिए। खैर जल्दी से घर आए हैं और ये छोटी मोटी जो डेकोर था, ये छोटी मोटी डेकोरेशन थी तो वो की है। जल्दी से खाना जो है वो मैंने डिश आउट किया, वही सब ऑर्डर किया जो मेरे जो हस्बैंड हैं वो शौक से खाते हैं। मटन कढ़ाई ऑर्डर की मैंने, चिकन पुलाव ऑर्डर किया और साथ में मैंने चिकन सीख ऑर्डर किए। और उसके बाद जी बस जल्दी से सब अरेंज हो गया, हस्बैंड आ गए और सब ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। मुझे ये लगता है कि इसी स्टेज में जो बच्चे हैं आप उनको ये ज़रूर एहसास दिलाएं, उनको बार बार रिमाइंड करवाएं, स्पेशल डेज़ का बताएं, यही एज होती है, यही स्टेज होती है जब बच्चे लर्न करते हैं एंड दे विल नेवर फॉरगेट स्पेशल डेज ऑफ देयर पेरेंट्स। उनके दिल में पेरेंट्स की जो रिस्पेक्ट है, पेरेंट्स का जो केयर है वो ज़्यादा अच्छे से डेवलप होती है, मेरा ये मानना है। चलें जी आई होप सो कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।